सो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका और एक धमाकेदार वीडियो में। और यहाँ पे आज हमारे पास ट्रूक योगा मिस्टेक ब्लूटूथ नेकबैंड जो आता है एकदम ही बजट फ्रेंडली प्राइस के अंदर। सो करेंगे यहाँ पे इसका अनबॉक्सिंग, डिटेल रिव्यू और देखेंगे कौन कौन से यूनिक वाले फीचर यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। और हाँ, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूले। सो प्रजा हियर, वेलकम टू आवर चैनल टेक एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपको पैकिंग में मिल जाता है ट्रूक योगा मिस्टेक ब्लूटूथ नेकबैंड। तो प्लास्टिक को यहाँ पे हम रिमूव कर देते हैं और मेजर यहाँ पे जो फीचर है वो मेंशन किए गए हुए हैं। इमर्सिव ऑडियो विथ 13mm टाइटेनियम ड्राइवर्स, 50 आवर प्लस प्लेबैक टाइम विथ फास्ट चार्जिंग, क्रिस्टल क्लियर कॉल। पीछे भी यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर है। यहाँ पे आपको डिजिटल बैटरी इंडिकेटर मिलता है, प्रीमियम यूनिबॉडी डिज़ाइन, एनवायरमेंट नॉइस कैंसिलेशन, ड्यूअल पेयरिंग भी यहां पे आपको मिल जाता है, गेमिंग मोड, 13mm के ड्राइवर्स, फास्ट चार्जिंग, 10 मिनट के अंदर 10 आवर का क्विक प्लेबैक आपको यहां पे मिल जाएगा, 50 आवर्स का टोटल प्लेबैक टाइम, ब्लूटूथ वर्जन 5.2, स्नग फिट डिजाइन, यहां पे आपको इन बिल्ट माइक भी मिलता है विद कंट्रोल एंड 20 इक्वलाइजर मोड विद स्मार्ट एप्लीकेशन। वाओ, सो यहां पे इसे ओपन करते हैं और बॉक्स में से बाहर निकलते हैं। ओके, सो कुछ इस तरीके से आपको ये मिल जाता है। सो यहाँ पे है डॉक्यूमेंटेशन और यहाँ पे आपको जो स्मार्ट ऐप है उसका QR कोड भी प्रोवाइड किया गया हुआ है। यहाँ पे है वारंटी कार्ड, यूजर मैनुअल, एक्स्ट्रा ईयर टिप्स, देन USB टू टाइप सी चार्जिंग केबल। और इस तरीके से पैकिंग में हमें ये मिल जाता है। तो यहाँ पे इसे बाहर निकालते हैं तो आपको इतना मिल जाएगा फ्रॉम द अनबॉक्सिंग। जो ब्लूटूथ नेकबैंड है यहाँ पे प्लास्टिक है, तो यूज़ करने से पहले इसे यहाँ पे हम रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको कंट्रोल पैनल जो है वो मिल जाता है कुछ इस तरीके से। अगर बात करें यहाँ पे लुक, बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन के ऊपर, तो यहाँ पे आपको मिलता है एक प्रीमियम फिनिश। जो रबर मटेरियल है काफ़ी स्क्रीन फ्रेंडली है और एकदम ही यहाँ पे आपको सॉफ्ट मिलता है जो अराउंड द नेक सेट होता है। यहाँ पे आपको जो कंट्रोल पैनल है तो यहाँ पे आपको ग्लोसी फिनिश मिलता है। यहाँ पे है टाइप सी चार्जिंग पोर्ट फॉर द क्विक चार्जिंग और बैक साइड पे यहाँ पे आपको वॉल्यूम कंट्रोल एंड पावर ऑन ऑफ बटन जो है वो मिल जाता है। यहाँ पे होल्ड एंड प्रेस करके रखते हैं पावर बटन को तो ये देखिए यहाँ पे आपको मिलता है डिजिटल इंडिकेटर। ये आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट होगा नेकबैंड जिसके अंदर आपको डिजिटल इंडिकेटर जो है वो मिल जाता है। अगर बात करें यहाँ पे थ्रेड्स की, तो यहाँ पे जो वायर की क्वालिटी है मुझे काफ़ी सही लगी, काफ़ी यहाँ पे रफ एंड टफ वाला यहाँ पे जो वायर है वो मिल जाता है। एंड ईयरबड्स की डिज़ाइन बाकी सारे ईयरबड्स की डिज़ाइन से थोड़ी सी अलग है जो मुझे काफ़ी यूनिक लगा। सो जैसे यहाँ पे हम ईयर टिप्स को निकालते हैं जो काफ़ी हार्ड है, वो पूरा ही निकलता है। वाओ, ये देखें कुछ इस तरीके से। तो आपको ये कम्प्लीटली एंगुलर फॉर्म के अंदर ये मिल जाएगा। आप ये पूरा पोर्शन यहाँ पे निकाल सकते हो क्योंकि ये ईयर टिप्स के साथ आता है और फिर इसको यहाँ पे आप अटैच कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे जो यूनिक डिज़ाइन है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। सो फाइनली यहाँ पे जो प्राइस है उसके हिसाब से बिल्ड क्वालिटी, लुक, डिज़ाइन काफ़ी सही लगा मुझे। सो दोस्तों, अगर बात करें यहाँ पे लुक के हिसाब से तो ओवर द नेक कुछ इस तरीके से ये सेट होता है और काफ़ी कंफर्टेबल है। जो यहाँ पे रबर मटेरियल है मुझे काफ़ी सही लगा, एकदम ही स्क्रीन फ्रेंडली है और काफ़ी सॉफ्ट है। अगर बात करें यहाँ पे इन ईयर लुक की, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा जब आप इसे यहाँ पे वियर करोगे। आपको ईयर टिप्स एंड ईयर ग्रिप दोनों ही मिल जाता है जो मुझे काफ़ी सही लगा। और यहाँ पे काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी जो है वो आपको मिलती है, यानी कि अगर आप यहाँ पे रनिंग करते हो या तो फिर जिम के लिए यहाँ पे इसे यूज़ करने वाले हो वर्कआउट के अंदर, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ये पॉप आउट नहीं करेगा फ्रॉम योर ईयर्स। वन मोर थिंग, यहाँ पे आपको IPX4 का रेटिंग मिलता है, यानी कि हल्की फुल्की बारिश में या तो फिर वर्कआउट के अंदर ड्यूरिंग द जिम कंडीशन आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। फर्स्ट टाइम मोबाइल के साथ यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे होल्ड एंड प्रेस करके रखिए पावर बटन को और इसको यहाँ पे पावर ऑन कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको बैटरी परसेंटेज जो है वो दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जाना है मोबाइल के अंदर ब्लूटूथ में और पेयर न्यू डिवाइस यहाँ पे सर्च करना है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा ट्रूक योगा मिस्टेक, तो टैप कर दीजिए उसके ऊपर और ये कनेक्ट हो जाएगा आपके मोबाइल के साथ।
कनेक्ट हो जाने के बाद यहाँ पर आपको मोर सेटिंग्स के अंदर हाई क्वालिटी ऑडियो का जो सपोर्ट है वो भी मिल जाता है। यहाँ पे फर्दर कंट्रोल्स के लिए आपको और एक एप्लीकेशन मिलता है जो है स्मार्ट लाइफ, जिसका QR कोड आपको बॉक्स के अंदर से मिल जाएगा। जैसे आप इसे ओपन करोगे यहाँ पे आपको डिवाइस डिटेक्ट करके दिखा देगा, यहाँ पे आप इसे ऐड कर दीजिए। यहाँ पे करना है प्लस और ये जो डिवाइस है वो स्मार्ट एप्लीकेशन के अंदर ऐड हो जाएगा और उसके बाद आपको काफ़ी सारे ऑप्शन जो है वो मिल जाते हैं। तो डन कर दीजिए यहाँ पे और यहाँ पे आपको परसेंटेज जो है वो दिखाई देगा। तो डिवाइस जो है वो अभी ऐड हो रहा है। सो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन जो है वो मिल जाते हैं। इक्वलाइजर मोड, तो यहाँ पे आपको बेस बूस्ट क्लासिक डायनेमिक मोर देन 20 यहाँ पे आपको इक्वलाइजर मोड जो है वो मिल जाते हैं। कस्टम कीज, तो यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हो लेफ्ट राइट या तो फिर मल्टी फंक्शन बटन को, तो कंट्रोल जो है वो यहाँ पे आप इसे चेंज कर सकते हो। वन मोर थिंग, यहाँ पे आपको फाइंड ईयर बर्ड्स का जो ऑप्शन है वो भी मिलता है, यानी कि अगर आपका यहाँ पे नेकबैंड कहीं पे मिसप्लेस हो गया है तो आप इसे विथ हेल्प ऑफ GPS फाइंड कर पाओगे। तो ये मुझे काफ़ी सही लगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको सेटिंग्स मिलता है। सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे आपको काउंटडाउन आता है जहाँ से आप इसे टाइमर के हिसाब से पावर ऑफ कर सकते हो। ब्रॉडकास्ट मोड, यहाँ पे आपको ब्लूटूथ नेम चेंज करना है तो वो भी कर पाओगे और यहाँ पे आप क्विकली गेम मोड के अंदर एंटर या तो फिर एग्जिट कर सकते हो। तो ये भी मुझे काफ़ी सही लगा। सो जो एप्लीकेशन है काफ़ी सही से वर्क करता है। सो यहाँ पे हम चेक करने वाले हैं गेमिंग मोड को लेके कैसा यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस जो है गेमिंग मोड में वो मिल जाता है। सो यहाँ पे जो गेमिंग मोड है काफी ऑसमली यहाँ पे वर्क करता है और एक लैग फ्री एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको बैक साइड पे कंट्रोल पैनल जो है मिल जाता है, जिसके ऊपर मल्टी फंक्शन बटन एंड प्लस एंड माइनस बटन जो है मिलता है। अगर बात करें यहाँ पे कंट्रोल्स को लेके, तो यहाँ पे आपको सारे के सारे कंट्रोल्स जो है मिल जाते हैं और आप इसे यहाँ पे वाया एप्लीकेशन कस्टमाइज भी कर सकते हो। यहाँ वॉल्यूम चेंज, नेक्स्ट प्रीवियस, प्ले पॉज या तो फिर वॉइस असिस्टेंट को इजीली यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको एनवायरमेंट नॉइस कैंसिलेशन मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छी तरीके से ये वर्क करता है और कॉल के अंदर यहाँ पे आपको काफ़ी मज़ा आएगा। जो नॉइज़ है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस होता है और आपका आवाज़ जाता है क्लियर होके सामने वाले के पास। कंट्रोल पैनल पे यहाँ पे आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट जो है वो मिल जाता है और जैसे यहाँ पे आप इसे प्लग इन करोगे चार्जिंग के अंदर, जो बैटरी परसेंटेज है वो यहाँ पे आपको दिखाएगा, यानी कि ये चार्ज हो रहा है। वन मोर थिंग, अगर बात करें यहाँ पे क्विक चार्ज को लेके, तो यहाँ पे आपको क्विक चार्जिंग मिलता है। 10 मिनट्स के अंदर यहाँ पे आपको 10 आवर का प्लेबैक टाइम मिल जाता है एंड ओवरऑल यहाँ पे प्लेबैक टाइम मिलता है 50 आवर्स का, जो प्राइस के हिसाब से मुझे काफ़ी सही लगा। दोस्तों अगर फाइनली बात करें यहाँ पे म्यूजिक क्वालिटी को लेके, तो भाई काफ़ी मज़ा है। यहाँ पे ट्रेबल मिड टोन्स एकदम ही ज़बरदस्त यहाँ पे काफ़ी सेपरेशन वाले मिलते हैं और हाँ, यहाँ पे अगर आप बेस लवर हो तो काफ़ी मज़ा आएगा। यहाँ पे आपको इनबिल्ट जो एप्लीकेशन है वहाँ से आप इक्वलाइजर भी सेट कर सकते हो, यानी कि बेस बूस्ट मोड के अंदर आप इसे स्विच कर सकते हो। सो अगर बात करें यहाँ पे रेटिंग्स को लेके, तो 8.5 आउट ऑफ 10 और काफ़ी लाउड और काफ़ी क्लियर वाला यहाँ पे आपको ब्लूटूथ नेकबैंड मिल जाता है। अगर बात करें यहाँ पे वर्डिक में, तो प्राइस ओनली 1000 रुपीज़ है। 1000 रुपीज़ में यहाँ पे आपको काफ़ी एडिशनल एक्स्ट्रा फीचर मिलते हैं, जैसे कि गेम मोड मिलता है, क्रिस्टल क्लियर कॉलिंग एक्सपीरियंस जो है वो मिल जाता है, डिजिटल इंडिकेटर और हाँ, यहाँ पे आपको विद हेल्प ऑफ द एप्लीकेशन काफ़ी सारे कंट्रोल्स, यहाँ पे आप अपना ब्लूटूथ नेकबैंड भी फाइंड कर सकते हो। तो काफ़ी सारे फीचर मिलते हैं इंक्लूडिंग बेस्ट म्यूजिक क्वालिटी और हाँ, इसका जो परचेज लिंक है वो भी मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में नीचे। आज के वीडियो बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।